सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के साइंस का मॉडल पेपर का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यदि आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर ए को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या की होती है। पहला ऑप्शन में दिया गया दोगुनी, ऑप्शन बी में दिया गया आधी, ऑप्शन सी में दिया गया चौथाई और ऑप्शन डी में दिया गया है बराबर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और क्वेश्चन नंबर एक का क्या सही जवाब होगा आप जल्दी से इसका आंसर लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न दो क्या कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। याद रखिएगा, किसी भी मनुष्य की आंख में यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न तीन को देखिए कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न चार कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया आई आर स्क्वायर आर, बी में दिया गया है आई आर स्क्वायर, सी में दिया गया वी आई और ऑप्शन डी में दिया गया वी स्क्वायर बटा आर। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आई आर स्क्वायर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन पांच को देखिए। क्वेश्चन पांच कहता है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पांच का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी जो है वो पक्षमाभि मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तन किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन छह को देखिए कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। हे दोस्तों, विद्युत मोटर का जो कार्य है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन सात को देखिए। क्वेश्चन सात कहता है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, साथ ही विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन आठ कहता है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। दोस्तों, इस प्रकार से एक प्रिज्म होता है जिसमें एक दो नहीं बल्कि पूरे पांच सतहों से ये प्रिज्म घिरा रहता है। एक और सवाल पूछे जाते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम की प्राप्ति करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब प्रिज्म हो जाएगा। प्रिज्म की एक खासियत होती है कि इस पर यदि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाए तो सात रंगों में इस प्रकाश से विभक्त हो जाती है। सात रंगों में विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं और इसी पट को वर्णपट या स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तो फिलहाल क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिज्म में जो सतहों की संख्या होती है वो पांच होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नौ कहता है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा। देख लीजिए ना, कितना सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नौ में पूछा गया है कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर बनता है तो जाहिर सी बात है वो समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण की एक खासियत होती है इसमें सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। उसमें दस का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया था। उसके बाद में क्वेश्चन 11 कहता है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो हमें नीला प्रतीत होता है।
तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकाश सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए कि समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, यानी समान जो नेत्र है, समान जो आंख है, वो निकटतम यानी कितनी कम से कम दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इसका कोई भी लिमिट नहीं है कि एक मनुष्य का आंख कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो 25 सेमी हो जाएगा, दूर दूरी या अधिकतम दूरी या अनंत बिंदु पूछा जाएगा, अधिकतम दूर बोला जाएगा या दूर बिंदु पूछा जाएगा, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। डी का जो मान है वो 0 के मान के बराबर होता है, इसे इम्प अपॉन माइनस 1 भी लिखा जाता है। तो यदि आप लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक की बात करेंगे तो चारों ऑप्शन में ना ही यह डायोप्टर दिया गया है, ना ही डी दिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया है इम्प अपॉन माइनस 1, जो कि क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए, कहता है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 यानी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये बनाता है Cu यानी कॉपर प्लस में H2O यानी जल बनाता है, इसमें किसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें H2 यानी हाइड्रोजन गैस का उपचयन हो रहा है, और दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। ये दोस्तों याद रखिएगा, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, सोडियम का लैटिन नेम नेटियम होता है, संकेतिक चिन्ह Na होता है, सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है, वही वे परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो ये सभी के सभी को याद रखना आप सभी को बेहद जरूरी है। इसके बाद में अगला सवाल काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है डियर, इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। यहाँ पे एल्केन का समान सूत्र की बात करेंगे तो CnH2n+2 होता है, वहीं पे एल्काइन का समान सूत्र CnH2n होता है, और एल्कीन का समान सूत्र CnH2n हो जाता है। तो तीनों क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा, एल्काइन का CnH2n-2 हो जाएगा, एल्कीन का CnH2n हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए, क्वेश्चन 17 कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। दोस्तों उदासीन विलयन किसे कहते हैं, तो एचपी सुरेश महोदय के द्वारा एक स्केल का आविष्कार किया गया जिसका नाम पड़ा पीएच स्केल। पीएच स्केल की एक खासियत है कि इसे किसी विलयन की उम्ममामलीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता मापी जाती है। इस पीएच में यदि 1 से लेकर 7 तक नहीं बल्कि 14 तक अंक अंकित रहते हैं, किसी विलयन का पीएच मान 1 से 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है, किसी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में आता है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है, किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है तो वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। यहाँ पे कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो हम आप सभी को अभी भी बताए हैं कि 7 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, वहीं पे वर्गों की संख्या 18 होती है। तो सवाल में हमसे आवर्तों की संख्या नहीं पूछी गई है, हमसे पूछी गई है कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 वर्ग होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देखिए कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों याद रखिएगा, कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का कुचालक न होने के कारण ये सुचालक होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ग्रेफाइट। अगला सवाल क्वेश्चन 20 कहता है कार्बन क्या है। दोस्तों कार्बन जो है यह एक प्रकार का धातु है, इसके दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन क्या है, तो ये अधातु है यानी नॉन मेटल है। इसके बाद में क्वेश्चन 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा अम्ल के दो प्रकार होते हैं, पहला होते हैं प्रबल अम्ल, दूसरा होते हैं दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पे आप सभी से दुर्बल अम्ल के परिभाषा सॉरी उदाहरण पूछा गया है, तो 21 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया HCl जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ये आपका प्रबल अम्ल है, ठीक है।
ऑप्शन बी में दिया गया HNO3 जो मेथनोइक अम्ल है, ये भी आपका प्रबल अम्ल है। सी में दिया गया H2SO4 जिसका हिंदी नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये भी आपका प्रबल अम्ल है। डी में दिया गया CH3COOH जो चींटी के डंग में पाए जाने वाला फॉर्मिक अम्ल है, यह एक दुर्बल अम्ल है। अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए। क्वेश्चन 22 कहता है पोटेशियम जिसका संकेतिक चिन्ह के होता है, लैटिन नेम कैलियम होता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा पोटेशियम अर्थात के यानी कैलियम की परमाणु की जो संख्या होती है ये 19 होती है, तो परमाणु संख्या इसका 19 होता है। तो वहीं पे परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 39 होता है। पोटेशियम के बाद में बात आता है कैल्शियम की, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए। क्वेश्चन 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः वायु गैस है। ये चारों ऑप्शनों को देखकर आप सभी को बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो वायु गैस का प्रमुख उदाहरण है। तो ऑप्शन बी में देखिए दिया गया CH4 जिसका नाम जो होता है वो क्या होता है, तो मीथेन गैस होता है। याद रखिएगा मीथेन गैस यह एक सरल हाइड्रोकार्बन भी है और ये प्रमुख वायु गैस का प्रमुख घटक भी है। एक और सवाल पूछा जाता है कि गोबर गैस में कौन सा गैस पाया जाता है, तो वैसे स्थिति में भी हो जाएगा CH4 यानी मीथेन गैस। अगला सवाल 44 को देखिए। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, जिसका रासायनिक जो नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। अगला सवाल 25 कहता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे C+O2 को देख लीजिए, तो ये बनाता है CO2। तो अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया है, तो एक कार्बन लिया है, तो दूसरा ऑक्सीजन गैस लिया है। दोनों जब आपस में अभिक्रिया किया तो नया यौगिक का निर्माण किया CO2, तो CO2 यहाँ पे प्रतिफल हो जाएगा, C+O2 यहाँ पे अभिकारक हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखिए कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। आप सभी को मालूम होगा शून्य वर्ग का जो तत्व है वो हीलियम, रिडान, जिडान, नियान, क्रिप्टान, नियान होता है। ऑप्शन सी में दिया गया HE जिसका हिंदी नाम हीलियम होता है, यह एक अक्रिय तत्व है और शून्य वर्ग का तत्व भी है, इसलिए क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता बिल्कुल जरूरी है। ऑप्शन बी में दिया गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी अनिवार्य है। सी में दिया गया सूर्य का प्रकाश और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी, यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो दोस्तों ये पौधों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी अंग को क्या कहते हैं। याद रखिएगा पौधों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो पत्ती होती है, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल तो काफी सिंपल और काफी इंपोर्टेंट है। कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। दोस्तों याद रखिएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ना, उसे लीवर ग्रंथि कहा जाता है यानी यकृत कहा जाता है। कई बार आपके ऑप्शन में हिंदी आपको समझ में नहीं आया तो जरा इंग्लिश को भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बुक में यदि आप पढ़े होंगे तो सबसे बड़ी ग्रंथि पढ़े होंगे लीवर ग्रंथि। ऑप्शन में देखिएगा तो लीवर नहीं देगा, इंग्लिश में लिखेगा लीवर और हिंदी में देगा यकृत, जो कि क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 30 कहता है पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों पादप जो है वो जाइलम में किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। याद रखिएगा पौधों में जल का परिवहन जाइलम उत्तक के द्वारा होता है, तो वहीं पे पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा, जल का परिवहन जाइलम उत्तक के द्वारा पौधों में होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो दोस्तों एक कोशिकीय शैवालों में जल का जो परिवहन है वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 32 का कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। कितने बार हम आप सभी को बता चुके हैं कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है, मेढक के हृदय में कोष्ठों की संख्या 3 होती है, तो वहीं पे मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है।
तो याद रखिएगा, मछली की जब जब बात की जाए तो उसका श्वसन अंगीर्ष होता है और वहीं उसके कोष्ठों की संख्या होती है। मनुष्य में कोष्ठी की संख्या 4 होती है। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो यहाँ भी चार चार ऑप्शन में दिया जा चुका है। इसमें बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। दोस्तों, एमिनो अम्ल के विखंडन से सीओ यानी कोक भी बनता है। सी में दिया गया NH3, जिसे हम लोग अमोनिया कहते हैं, जो एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक जहर का नाम है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला सवाल देखिए कि ऑक्सिन है। तो दोस्तों, ऑक्सिन यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 35 कहता है कि एक नर हार्मोन है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि नर हार्मोन क्या है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा, एड्रेनालिन जो दिया गया है, यह एक स्त्री हार्मोन है यानी मादा हार्मोन है। थायरॉक्सिन हार्मोन का भी स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जो कि स्त्री में पाए जाने वाले प्रजनन अंग में पाया जाता है। सी में दिया गया एस्ट्रोजन, ये भी आपका मादा हार्मोन होता है। डी में दिया गया टेस्टोस्टेरोन, और यह पुरुष में पाए जाने वाले जनन अंग का एक तंत्र होता है, जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। अगला सवाल क्वेश्चन 36 को देखिए। क्वेश्चन 36 कहता है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन की विधि की बात करें तो विखंडन विधि की विधि भी अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन विधि भी अलैंगिक जनन की विधि है, सी में दिया गया द्विखंडन ये भी अलैंगिक जनन की विधि है, डी में दिया गया इनमें से सभी। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन 37 कहता है, पराग कोष में पाए जाते हैं। बेटी के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पराग कोष में क्या पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पराग कोष में पाए जाने वाले को पराग कण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देखिए कि अनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। दोस्तों, अनुवंशिक गुणों का जो संदेश है वो किसे होता है? तो याद रखिएगा, डीएनए के अणुओं में होता है। कहाँ होता है जी? डीएनए के अणुओं में अनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 39 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 39 कहता है कि किस वैज्ञानिक को अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? पहला ऑप्शन अरस्तु को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, रॉबर्ट हुक को, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन चलेंगे, अरस्तु दिया गया है ना, तो आपसे एक और सवाल पूछे जा सकते हैं कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। सी में दिया गया ग्रेगर रॉबर्ट हुक, और याद रखिएगा, रॉबर्ट जो हुक है ना, इनके द्वारा सबसे पहले कोशिका को देखा गया था, तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और बी में दिया गया ग्रेगर जॉन मेंडल, तो अनुवंशिकता का पिता या अनुवंशिकी का जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एक और सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देखिए कि हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन पत्तियों में, तना पे, पत्तियां एवं तना दोनों पे, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, हाइड्रिला पौधों में रंध्र पाया ही नहीं जाता है। तो भाई साहब, जब पाया ही नहीं जाएगा तो पत्तियों में, तना पे, पत्तियां, तना, यहाँ दोनों पे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से किसी पर नहीं। अब यहाँ से 2-3 सवाल और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि पौधों में पाए जाने वाले नर जनन अंग को क्या कहते हैं, पौधों में पाए जाने वाले मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, पौधों में पाए जाने वाले नर जनन अंग को हम लोग पुमांग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पुमांग कहते हैं। मादा जनन तंत्र को स्त्री केसर कहते हैं। तो पुमांग या पुंकेसर पौधों में पाए जाने वाले नर जनन अंग होते हैं, स्त्री केसर या श्यांग मादा जनन तंत्र पौधों में पाए जाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं 10वीं कक्षा के साइंस का मॉडल पेपर में दिए गए 1 से लेकर 40 तक का साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यार नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही हम कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाएं, उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। जितने भी सेट का पीडीएफ हमारे द्वारा अपलोड किया गया है, उस सभी पीडीएफ को हमारे ऐप में अपडेट कर दिया गया है। साथ ही वेबसाइट questionforexam.com के माध्यम से भी जाकर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स, और जो आपको ऐप देखने को मिलेगा उसे इंस्टॉल कर लीजिए, या गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स, या questionforexam.com लिखकर भी आप 10वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारियां कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे 10वीं कक्षा का अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ। तब तक लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।